कलेक्ट्रेट में बाबरी मस्जिद के शहीदी दिवस पर अपनी मांगों को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के हवाले किया जाए। बुधवार को बाबरी मस्जिद को शहीद हुए एक चौथाई शतक हो चुका है, लेकिन कोई भी मसला नहीं सुलझ सका। इसी को लेकर ज्ञापन में कहा गया कि बाबरी मस्जिद राष्ट्रीय धरोहर के रूप में एकता का प्रतीक तथा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थी, जिसे राष्ट्रद्रोही तत्वों ने तोड़कर न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि राष्ट्रीय के गौरव से भी खिलवाड़ किया। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को भारत के इतिहास में सदैव के लिए एक काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। बाबरी, आज हम बाबरी मस्जिद की 25वीं बरसी पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 25 साल पहले बाबरी मस्जिद को चंद अराजक तत्वों ने एक ऐलान देकर, सरकार को ऐलान देकर शहीद कर दिया था, और उन्होंने न कानून की परवाह की, न संविधान की परवाह की, न एडमिनिस्ट्रेशन की परवाह की, और पूरी भारत सरकार, इतनी बड़ी भारत सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहा। इससे पूरे मुल्क के लोगों को बहुत जज्बात को बड़ी ठेस लगी और पूरे मुल्क में एक तरह का विश्वास जो है उनका मुतजंदल हुआ कि क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, क्या इस मुल्क में कोई सरकार नहीं है। हम आज फिर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ये बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में सरकार का नाम कानून है, और कोई भी सरकार हो उसे यहाँ कानून की हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, इसके बगैर यहाँ काम नहीं चलेगा। अराजक तत्वों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी और बाबरी मस्जिद के मामले को जल्द से जल्द हल करके बाबरी मस्जिद उसी जगह दोबारा बनाई जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जिन लोगों ने आज से 25 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उनको सबसे सख्त सजाएं दी जाए, ताकि पूरे देश को ये मालूम हो कि इस मुल्क में कानून की सत्ता चलेगी, इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जंगल शासन नहीं चलेगा।